नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं वोकल टीवी। और अभी मैं मौजूद हूं पौड़ी में, जहां किसानों के खेत में आग लगी हुई है। किसान साल भर मेहनत करते हैं और चंद पल भर में उनकी खेत में आग लगकर इस प्रकार जलकर राख हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां फायर ब्रिगेड आए हुए हैं और किसान का जो खेत है वो भी यहां उपस्थित है, लेकिन किसान यहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आग जो है वो बहुत भयंकर लगी हुई है। आप देख सकते हैं, पूरे वीडियो में कैमरामैन से कहूँगा कि आप पूरे दिखाएं कैमरा में कि किस प्रकार से आग लगी हुई है और किसान का जो खेत है, जो गन्ना है, वो जर कर राख होने की कगार में बनी हुई है। अब फायर ब्रिगेड का लगातार यहाँ पर चल रहा है, आग को बुझाने की कोशिश जारी है और देख सकते हैं कि किस प्रकार आग भयंकर रूप ले रही है। और किसान साल भर का किसान का जो मेहनत होता है वो चंद मिनट में, जो एक आग की जो तिलक होती है, तिलकी से चंद मिनट में जो है जलकर राख हो जाती है। आप देख सकते हैं, पूरे कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से जो किसान का जो फसल रहता है वो चंद मिनट में जो है जलकर राख हो जाता है। जो साल भर किसान मेहनत करते हैं, सारी लगन लगाकर मेहनत करते हैं, वह पूरी चंद मिनट में जलकर राख हो जाता है। किसान साल भर मेहनत करते हैं और मेहनत का जो फल है वो कुछ इस प्रकार से मिलता है। चंद मिनट में वो अपना जो गन्ना का जो फसल रहता है उसे एक आग की तिलकी में जो है पूरे खेत को जलाकर राख कर देता है। आप देख सकते हैं पूरे वीडियो में। यहाँ लगभग मेरे ख्याल से अभी पूरा यहाँ जो जितना एरिया है वहाँ सब में आग लग चुकी है और आग लगातार भयंकर रूप ले रही है। हम यहाँ जो किसान हैं, जिनके खेत हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से ये जो आग लगी हुई है, कैसे हुई ये घटना, ये सभी विषयों पर हम किसान से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और क्या इसके आग लग गई है तो वह अपने फसल जो गन्ना है उसको किस प्रकार से बेचेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है, उन सभी विषयों पर हम यहाँ के किसान से बात करेंगे। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या अब आगे ही हो सकता है, क्योंकि जो गन्ना है वो जल कर राख हो गया है, क्या हो सकता है आगे? जत्ता जल्दी पच्चीस में जत्ता सप्लाई करबो। कितना एकड़ में अभी लगा है? 50 एकड़ के आसपास। और एक ही फायर ब्रिगेड यहाँ आए हुए हैं? पानी नहीं है फायर ब्रिगेड देखना, बंद हो गए। तो किस प्रकार से जो आग है वो किस प्रकार से बंद हो सकता है, क्या है? कोई बंद कर कोई संभावना से नहीं है। ट्रांसफार्मर मिले हो, बीच खेत में ट्रांसफार्मर लगाए हैं, बीच खेत में लगाए भाई। तो आगे क्या मुआवजे के लिए क्या क्या करेंगे? अब सरकार देखा है मुआवजा लगा, अब हमारे केक मांगे कि जब का नुकसान हो लगता है कि पाइप जल गया, पाइप एक जगह पूरा पाइप ले मिले मेरे से पाइप। क्या क्या नुकसान हुए हैं और गन्ने के अलावा? पूरा पाइप गन्ना पूरा गया, 10% 12% करीब काटी, किसान तो पूरा बर्बाद हो गए ना। आपका कितना एकड़ जला है? मेरा ढाई एकड़। ढाई एकड़ जल गया। पर्ची तुरंत देंगे कि क्या क्या पता भाई, अब जाने पर पता लगेगा अभी क्या प्रक्रिया करता है। अच्छा, जैसे जलता है गन्ना तो क्या क्या प्रक्रिया होती है? पर्ची वर्ची तुरंत दे देते हैं कि बाद में देते हैं? क्या पता, पहली बार मेरा जला है। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं? तत्काल पर्ची, कल जो है पर्ची। और कितना परसेंट काटती है वो? 14% 12% नहीं काटना चाहिए। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि जो 12% कटता है उसके बारे में? नहीं कटना चाहिए भाई, नुकसान अलग होगा ना भाई, ये तो वजन अलग नुकसान हो गए। 12% 10% काटे थे वो नुकसान किसान की पूरा। क्या नाम है भैया आपका? कन्हैया जसवाल। आपका भी आग लग है? हाँ। कितना लग है भैया? उम्र के भी अभी नहीं के आधा एकड़। कैसे करेंगे अब, जल कर तो राख हो गया, साल भर की आपकी जो मेहनत है वो चंद मिनट में जल कर राख हो गया, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए गवर्नमेंट पर्ची दे रहा है तो ठीक है भाई, हमारा तो जो होना था हो रहा है। गवर्नमेंट को इसमें देखना चाहिए कि विद्युत व्यवस्था है वो भी बीच खेत खेत ट्रांसफार्मर लगा देते, उसको रोड में करना चाहिए। और जैसे कि आग लगा है उसको पर्ची दे, किसान को राहत मिलेगा,
जो भी किसान पे जितना भी है देखो 20-25 एकड़ लगभग हो रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही मानेंगे इसको? नहीं, अब इसमें किसी को कहा नहीं जा सकता, जैसे कि कोई लाइन की समस्या आता है तो उसको भी दिल लेना पड़ता है, कहीं पे तार लूज हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे, पूरा जो गन्ना है वो जलकर राख हो गया, कहीं कहीं किसान साल भर मेहनत करते हैं और वो चंद मिनट में जलकर राख हो जाती है। मैं इतना ही कहूँगा, जितने भी किसानों का जो गन्ना जला हुआ है उनका गन्ना का पर्ची जल्द से जल्द मिले शक्कर कारखाना से, और मैं ये बताना चाहूँ जितने भी टोटल से टोटल आग जो लगता है टोटल बिजली विभाग की लापरवाही से, आप देख रहे हो ये भिलाई ये हुआ है, ऐसा टाइप की नहीं होना चाहिए। सुरक्षा किसान जितना अपना मेहनत कमा कर बना रहते हैं, आज उनका मेहनत चंद छिड़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा लाइन सुधारे सख्त है, और या कहाँ बचा सकेंगे, फायर ब्रिगेड आया वो बस खाना पूर्ति कोई काम के नहीं है, पानी नहीं था, पानी कहाँ रहेगा, लाइन कटा हुआ है, किसी प्रकार के बस भगवान भरोसे चल रहे किसान, गन्ना पूरा जल गया। और मैं यही कहूँगा कि सभी किसानों को पंचनामा बनाकर पटवारी प्रतिवेदन तत्काल जमा करें, और कम अभी ज़्यादा नहीं जला है, कम परसेंट इनका काटा जाए, बस इतना ही बोलूँगा। मतलब कितना परसेंट काटते हैं जला हुआ गन्ना का? जला गन्ना का कोई वहाँ हिसाब नहीं है, 15 से लेकर 20% काटता है। अच्छा। कोई जो कम घर जला है वो को देख रेख नहीं करता है, कम से कम कम जले, और जला कम है तो कम काटे हैं। किसान का गन्ना जो जल गया उसमें भी किसान मर रहा है, और सरकार भी उन लोगों का गन्ना का जो परसेंट है वहाँ भी काटता है, तो किसान पूरी तरह से यहाँ मतलब किसान का ही पूरा घाटा दिख रहा है इसमें। किसान का ही घाटा रहेगा अगर यही अगर किसान गलत कर देगा, बिजली विभाग का कोई नुकसान कर देगा तो बिजली विभाग उनके FIR कर देगा। आज किसानों का बिजली विभाग के द्वारा लापरवाही हुआ है तो उनका कुछ नहीं हो रहा है, उनको तो मुआवजा मिलना चाहिए ना, बिजली विभाग की तरफ से भी मिलना चाहिए। हाँ, बिजली विभाग तरफ से मिलना चाहिए। पोल एकदम आज करना चाहेंगे, बिजली किस प्रकार होना चाहिए, बिजली का केबलिंग सीटें होना चाहिए, कभी तार सुधार होना चाहिए। कितना एकड़ लगभग यहाँ जला हुआ? लगभग मैं देख रहा हूँ तो 20-30 एकड़ अभी जल गए हैं। ठीक, 20-30 एकड़ जल गया है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग है आप? सरकार क्या है, वो तो आग जलता है बहुत बीमा नहीं होता है, वो बहाना मारते हैं, लेकिन सख्त मैं तो यही कहूँगा किसान का सभी फसल का बीमा होता है तो गन्ना का भी बीमा होना चाहिए, मैं यही मांगता हूँ। तो चाहे गन्ना टमाटर हो, चाहे सब्जी हो, चाहे धान हो, सभी फसल का बीमा होता है, लेकिन ऐसा है फसल है गन्ना का किसान का ही चीज़ है, उनका भी बीमा होना चाहिए, और बीमा का जो राशि वो किसान देगा, और आग का बीमा होना चाहिए। मैं यही मांग करूँगा सरकार से और शासन से, गन्ना का भी बीमा होना चाहिए, और सभी किसान बंधुओं से या किसान के संगठन से ये मांग करना चाहिए कि गन्ना का भी बीमा होना चाहिए। यहाँ 30-40 एकड़ का जो गन्ना है वो जल कर राख हो गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? मेरा कहना यही है कि जिसके माध्यम से लगा है उसमें सुधार किया जाए, लाइन अधिकतर विद्युत विभाग से बहुत परेशानी है और बार बार शिकायत किया जाता है फिर भी उसका कोई सुनवाई नहीं होता, अतः इसमें जल्द से जल्द निराकरण करें। और दूसरा मेरा सुझाव शासन से यही है कि गन्ना का जो रकबा बहुत गन्ना रकबा है, मतलब यहाँ कवर्धा जिला में, तो गन्ना को ना कृषि विभाग के द्वारा या शासन स्तर में इसको पंजीयन मतलब बीमा रहित नहीं है, ये बीमा में इसको जोड़ा नहीं गया है गन्ना को, तो शासन और यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं उनसे यही निवेदन है कि इनको बीमा में जोड़ा जाए और किसान को इसमें आगे चल के बीमा कराएंगे उसमें कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। अतः यही हम किसानों के द्वारा मांग करते हैं शासन से कि इसको बीमा में जोड़ा जाए। कब तक बिकेगी जो गन्ना है वो? अब गन्ना ऐसा है कि लेबर का दिक्कत है, अब इसका क्या पूछा जाए, ये तो 4-5 दिन में इसमें लाशा फूट जाएगा, तो बहुत नुकसान है किसानों को इसमें। अब यही अब इधर उधर से मजदूरी किसान को सब ला के एकजुट करके
इसको जल्द से जल्द काट के बेचेंगे, लेकिन पर्ची मिल जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा किसानों को, यही मांग करते हैं हम। किसानों का कहना है कि जो गन्ना में जो बीमा नहीं होता वो बीमा कराया जाए, ताकि किसान को जो बीमा के माध्यम से जो फ़ायदा मिलता है उस फायदा को किसान ले सके। हमारे साथ ग्राम पौड़ी के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से जो गन्ना जली हुई, किस प्रकार से ये घटना हुई है, इसकी पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। कैसे हुई ये घटना? ट्रांसफार्मर से आगे लगे हैं माँ, और लगभग 40 से 50 एकड़ पूरा जमीन है, पूरा गन्ना आगे लगे है। अच्छा। और जल्द से जल्द पर्ची मिलना चाहिए मिला किसान मल्ला, और जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, गन्ना में भी खेत में पाइप रही से बोला थे किसान। हाँ। मन वो सब चीज जल गए, कैसे सरकार भुगतान करे? अब मुआवजा पर मांग करबो सरकार मेरा नाम, जैसे भी किसान के पाइप उप जले है, गन्ना जले है, तेकर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। काला ठीक के दिन पहुंचे खर कार्यवाही, काबर की किसान के जिन तो खेत गन्ना रही सो तो जल के राख हो गए, अब किसान मन अपन गन्ना बेची है वो भी परसेंट काटी, किस प्रकार से प्रक्रिया है पूरा एकर? अब देखना जल्द से जल्द चालू करवाबो, अब आज रिपोर्ट करवाबो, ओकर बाद पंचनामा करवा के पटवारी मेरन, अब आगे कार्रवाई जल्दी से जल्द करवाबो। और जिन्हें गन्ना बेचते बोलते वही परसेंट काटते, तो उमा सरकार से क्या कहना चाहो कि परसेंट जो है वो काटे जाए या मत काटे जाए, काबर कि यहाँ भी किसान मन के घाटा हो गया, वहाँ भी घाटा होते हैं। ऐसा में किसान हत मूड़ धर के रोल लगी, ये तो महंगाई अलग बढ़ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए किसान की, कोई परसेंट नहीं काटना चाहिए। हाँ। सरकार से क्या कहना चाहो? सरकार से यही कहना चाहता हूँ जल्द जल्द मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन ट्रांसफार्मर है तेला कम से कम बाहर में करना चाहिए, ताकि कल के डेट में वहाँ सुरक्षित कम से कम खेत कम से कम बच जाए। फायर ब्रिगेड आया था, लेकिन फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, जिसके कारण फायर ब्रिगेड यहाँ से चला गया। आप देख सकते हैं किसान जो है साल भर मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत का जो है चंद मिनट में जल कर कुछ इस प्रकार राख हो जाता है, और जो फायर ब्रिगेड आता है उस फायर ब्रिगेड में पानी भी नहीं रहता। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन की लापरवाही है, जहां किसानों को शासन की लापरवाही की वजह से किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अभी किसानों का जो गन्ना है वो लगभग 30 से 40 एकड़ जल कर राख हो गया है, अब ये विद्युत विभाग की लापरवाही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या किसानों का मुआवजा मिलती है या नहीं, और जो परसेंट काटते हैं वो कितना परसेंट काटते हैं, और जो किसानों का जो घाटा हो रहा है उस पर सरकार किस प्रकार उन लोगों का जो है बातों को सुनती है और आगे अपना कार्यवाही करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए वोकल टीवी। मेरे सहयोगी रविंद्र वर्मा के साथ मैं अभिषेक वर्मा, वोकल टीवी कंवर्धा।